अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वेज बर्गर बनाने की रेसिपी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम वेज बर्गर की आलू टिक्की बना लेंगे। इसे बनाने के लिए मुझे चाहिए एक कटोरी के करीब बंदा गोभी उबला हुआ, एक कटोरी के करीब आलू उबला हुआ, एक कटोरी के करीब गाजर उबला हुआ। मसालों में हम यूज़ करेंगे जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक और मिर्ची पाउडर। बस इन सभी मसालों से हमारा जो टिक्की है वो तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम इन सारी सब्जियों को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो किसी ग्लास की मदद से इसे मैश भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आलू को ग्रेट कर रही हूँ। ये उबले हुए आलू हैं, आसानी से ग्रेट हो जाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर ग्रेट करके और फिर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें उबली हुई बंद गोभी ऐड कर देंगे। बंद गोभी ऐड करने के बाद आप एक ग्लास की मदद से इसे अच्छी तरह से मैश कर ले ताकि ये बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाए। ये देखिए ये बन चुका है। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसमें जो आलू का मिक्सचर था उसे ऐड कर देंगे। आप गैस का फ्लेम मीडियम पे रखें। आलू का मसाला ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, 2 से 3 मिनट तक। जब 2 मिनट हो जाए तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक 1/2 चम्मच के करीब, आधा चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच के करीब जीरा पाउडर। इन सब मसालों को ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो हमारा मसाला है वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए सारा मसाला अच्छे से आलू में मिक्स हो चुका है। आप इसे इस तरह से 2 से 3 मिनट तक और पका लें, फिर आप इसे एक अलग बर्तन में निकाल लें और इसे ठंडा कर लें इस तरह से। जब आलू ठंडा हो जाए तब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। टिक्की बनाने के लिए मैंने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाया है। अब हम थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेंगे और इसे इस तरह से हाथों की मदद से गोल शेप में कर लेंगे। अब हम इसे हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और इसे एक टिक्की का शेप देंगे। टिक्की आपको ज़्यादा पतली नहीं बनानी है, थोड़ी मोटी ही बनानी है। इस तरह से आप आलू की टिक्की भी बना लें सारी। मैंने यहाँ पे सारी आलू की टिक्की बना के तैयार कर ली है। कोशिश करें कि ये बहुत ही अच्छी बने और आप अपने बन के साइज के हिसाब से थोड़ी सी छोटी टिक्की बनाएं। अब हम एक स्लरी बनाएंगे। स्लरी बनाने के मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। बाउल में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब मैदा। मैदा ऐड करने के बाद अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। पानी डालने के बाद आप इसका एक अच्छा सा स्लरी बना लें। हमें पतली स्लरी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी स्लरी नहीं चाहिए, तो इसी हिसाब से आप पानी डाल लें और इसकी एक स्लरी बना लें। ये देखिए स्लरी बनके तैयार है। ये कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होगी। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। मैंने एक बर्तन में मैदा लिया है। मैदे में हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें आप 1/2 चम्मच के करीब और 1/4 चम्मच के करीब नमक ऐड कर दें। इन दोनों मसालों को ऐड करने के बाद आप इस मैदे को अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। अब हम अपनी टिक्की को कोट करेंगे। टिक्की को कोट करने के लिए सबसे पहले हम एक टिक्की लेंगे और इसे सूखे मैदे वाले प्लेट में इस तरह से इसे कोट कर देंगे चारों साइड से। अब हम इसे स्लरी वाले बाउल में डालेंगे। स्लरी वाले बाउल में डालकर
अब इसमें अच्छे से स्लरी लगा लें। जब स्लरी अच्छे से इसमें लग जाए तब हम इसे फिर से सूखे मैदे वाले बर्तन में डालेंगे और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। ध्यान से आप इसे उठाएं ताकि ये टूटे ना। ये देखिए इस तरह से। अब आप इसे फिर से सूखे मैदे से अच्छे से कोट कर लें। इसके कॉर्नर्स पे आप ध्यान दें ताकि इसके कॉर्नर्स पे भी अच्छे से मैदे लग जाए। ये देखिए मैंने सारी टिक्की पे मैदे की कोटिंग कर ली है। उसी तरह से आप सारे स्टेप को रिपीट करें और सारे टिक्की की कोटिंग कर लें। मैंने यहाँ पे पैन में ऑयल डालकर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे एक एक करके टिक्की को आराम से डालेंगे। टिक्की को आप मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसे पलट लें और इसे दूसरे साइड से भी अच्छे से ब्राउन कर लें। ये देखिए हमारी सारी टिक्की बनके तैयार है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। इस तरह से आप सारी टिक्की को फ्राई कर लें और तैयार कर लें। ये देखिए मैंने यहाँ पे टिक्की सारे बनके तैयार हो चुके। अब ये इस तरह का बन है। ये बन बाजार में इजीली अवेलेबल होता है। आप इसे बीच से स्लिट कर लें। अब हम इसे तलेंगे। इसके लिए हमने एक तवे पे 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। ऑयल आप अच्छे से मिक्स कर लें पूरे तवे पे और इसे बन को रख दें सिकने के लिए। बन जब अच्छे से सिक जाए तब आप इसे निकाल लें। इसे सिकने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। यह आसानी से सिक जाते हैं। ये देखिए बन हमारा सिक चुका है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब वेज मेयोनीज ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून के करीब टमाटो केचप ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून के करीब मिक्स हर्ब ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने बन को सेका था उसके एक साइड पे हम मेयोनीज और टमाटो केचप का ये जो पेस्ट बनाया था हमने, इसे इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। अब हम इसके ऊपर अपनी एक टिक्की रखेंगे। टिक्की रखने के बाद अब हम इसके ऊपर एक टमाटर का स्लाइस रखेंगे और एक प्याज का स्लाइस रखेंगे। इस तरह से आप सारे बन को बना लें और इसके जो ऊपर का टॉप साइड है उसे इसके ऊपर रख दें और इसे थोड़ा सा प्रेस कर दें। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही झटपट बन जाते हैं और इसकी जो टिक्की रहती है वो बहुत ही क्रिस्पी रहती है। मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ कि ये किस तरह का दिखता है अंदर से। आप इसे बीच से काट के देख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और जूसी बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।